वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे एवं जंतु। तो पेड़ पौधे मैं करवा चुकी हूँ, जंतु बचा था, तो आज हम बात करेंगे जंतु के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि समय समय पर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है जंतु। जंतु में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन जो प्रक्रिया होती है, हम सांस किस प्रकार लेते हैं उससे ये रिलेटेड है। ओके, अब जो जंतु होते हैं आपका पूरा का पूरा जियोलॉजी से रिलेटेड होता है, क्योंकि जियोलॉजी को दो पार्टों में बांटा हुआ है, जो कि एक कोशिकाएँ वाले होते हैं और जो बहु कोशिकाएँ वाले भी होते हैं। तो बहु कोशिकाएँ वालों में एक प्राणी होता है जो कि मनुष्य भी शामिल होता है, जिसमें 9 प्रकार के जीव जंतु शामिल होते हैं। तो उनमें से एक प्राणी होता है मनुष्य। मनुष्य में मैं आपको एक चीज़ करवा रही हूँ, जो कि हमारा श्वसन, जो हम सांस लेते हैं वो किस प्रकार से कार्य करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। सांस लेना यानी श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो आप सभी को पता है कि जो भी इस पृथ्वी पर जीवित वस्तु है या जीवित प्राणी है वो सांस लेता है, उसको क्या कहा जाता है? तो श्वसन कहा जाता है। लेकिन सिंपल और शाब्दिक अर्थ में, साइंस की भाषा में मैं बात करूं, तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को ही श्वसन कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, आप कार्बन हाइड्रेट लेते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि पूरा का पूरा ग्लूकोज होता है। जैसे आप भोजन प्राप्त करते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन हाइड्रेट यानी ग्लूकोज इस रूप में आपको मिलता है, जो कि एक तरह की ऊर्जा होती है। उसके साथ साथ क्या लेते हैं? तो O2 आप लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। वहीं आगे जाके किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में वो परिवर्तित हो जाता है। उसके साथ साथ H2 यानी जल उत्पन्न होता है, और फिर वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। ओके, फिर कह रहा है कि मनुष्य की श्वसन लेने की दर 12 से 15 मिनट होती है। मनुष्य जो है वो श्वसन की दर कितनी होती है? तो 12 से 15 बार वो सांस लेता है प्रति मिनट की दर से। वहीं आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो 20 गुना ज़्यादा तीव्र गति से आप सांस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रनिंग हो गया, अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो कितना तेज भागते हो आप। और उसी के साथ साथ मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण करता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। क्या करता है? तो नियंत्रण करता है। ओके, अब पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया। मुख्यतः हम श्वसन प्रक्रिया को 3 भागों में बांटकर आराम से समझ सकते हैं। तो कैसे? तो आइए बताते हैं। जो कि पहला भाग है बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इनमें हम बाहरी श्वसन के बारे में समझेंगे, जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो O2 यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो उस प्रक्रिया के द्वारा हम कौन सी गैसें लेते हैं, तो कौन कौन सी गैसें छोड़ते हैं, उस चीज़ को हम इस पार्ट में अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे भी। सेकेंड है हमारा गैसों का शरीर में परिवहन, यानी कि हम जो गैस लेते हैं वो हमारे लंग तक जाते हैं और लंग से वो बाकी सेल्स तक कैसे पहुंचता है, उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। तीसरा में बात करेंगे आंतरिक श्वसन, मतलब हम जब सांस की प्रक्रिया में सांस लेते हैं और वापस वो हमारे फेफड़े तक जाता है, फेफड़ों से सेल्स तक जाता है, कोशिकाओं तक जाता है, तो कोशिकाओं से होकर वो दोबारा हमारे फेफड़ों तक आता है। हम दोबारा उसे क्या करते हैं? तो बाहर की तरफ निकाल देते हैं, यानी CO2 के रूप में। तो आंतरिक श्वसन के बारे में बात करेंगे। इन 3 चरणों में मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि जो सांस की प्रक्रिया लेते हैं वह किस प्रकार से कार्य करती है। ओके, तो पहले बात करते हैं बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन का शरीर में आना और CO2 के रूप में शरीर से बाहर जाना ही श्वसन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सरल साइंस की भाषा में कहूँ तो प्राणियों और वातावरण के बीच में
जो श्वसन गैसें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, इसका जो आदान प्रदान करते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। देखो, जब आप सांस लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निश्वसन कहते हैं, और जब छोड़ते हैं तो उसे हम उच्छ्वासन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अब याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पोटअप होता है, तो देखिए, जब भी हम सांस लेने की प्रक्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो आपका ध्यान हो या ना हो, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से होगी ही होगी, जो कि मनुष्य को जीवित रखने में मदद करती है। तो जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, और भी काफ़ी गैसें हैं जो अंदर जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पोटअप की जाती है कि आप सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैस अंदर जाती है, तो नाइट्रोजन जो सबसे अधिक मात्रा में जाती है 78%, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन 20%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जिसकी मात्रा कम है यानी कि 0.03%, और जलवाष्प जो कि 0.5% होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप सांस लेते हैं तो ये चारों गैसें जाती हैं, और इनका परसेंटेज भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया को ये सारे गैस जाती हैं, और छोड़ने के प्रक्रिया में भी ये छोड़ते हैं, लेकिन उनकी मात्रा में फेरबदल हो जाता है। जब आप सांस छोड़ते हो तो नाइट्रोजन की मात्रा तो समान रहती है 78%, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा 16% हो जाती है, वहीं CO2 की मात्रा 4% हो जाती है, जलवाष्प की 6.5% हो जाती है। ये क्या हो जाती है, हेर फेर हो जाती है, जो मैं अच्छे से आपको समझाई हूँ, एक तरफ लेते समय और एक तरफ छोड़ते समय, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने लिखा है, तो इसे आप समझिएगा। सेकेंड है हमारा कि गैसों का शरीर में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, जो हम सांस लेते हैं वो हमारे सरस तक कैसे पहुँचता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़ों तक वापस आने की प्रक्रिया को गैस का शरीर में परिवहन कहते हैं। यानी जब आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, जो कहाँ तक जाता है, तो आपके लंग्स तक जाते हैं, फेफड़ों तक जाते हैं, फेफड़ों से कोशिकाओं तक जाते हैं। गैसों का जाना फिर फेफड़ों तक वापस आना, इसी को गैसों का शरीर में परिवहन हम कहते हैं। यानी कह रहा है कि श्वसन में गैसों का शरीर में ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है, यानी कि आप जब सांस लेते हैं तो आपकी जो गैसेज होती है वो पूरा का पूरा बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा ब्लड करता है। और ब्लड में भी आपका एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ये सांस की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो एक प्रोटीन होता है जो कि रक्त में पाया जाता है, और इसे केंद्र में क्या होता है, तो लौह परमाणु उपस्थित होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भूलिएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहूँ तो जब आप सांस लिए तो गैस फेफड़े तक गई, मेन पॉइंट समझिए, O2 ले रहे हैं वो फेफड़ों तक गई, और फेफड़ों में जाने तक वो फिर उसके बाद कहाँ गई, तो टेम्परेरी समय के लिए वो क्या बनाया जाता है, तो उससे मिलकर हीमोग्लोबिन, जो कि आपको पता है कि सांस लेते वक्त खून के अंदर क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अटैच होके क्या बनता है, तो एक नया पदार्थ बना लेता है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम कहते हैं। वहीं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ तक जाता है, तो सेल्स तक जाता है, कोशिकाओं तक जाता है, और कोशिकाओं में जैसे ही धारण कर लेता है तो वहाँ पर ये दोनों तत्व क्या होते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ये एक था और जैसे ही ये गया तो ये दोनों अलग अलग हो गया। मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। थर्ड है आंतरिक श्वसन, यानी आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यानी अब तक हम सांस ले रहे थे, सांस लेते समय जो गैसें आ रही थीं वो फेफड़ों तक आ रही थीं, फेफड़ों के अंदर कार्बन डाई का जो एक्सचेंज होना हो रहा था, आपका परिवहन हो रहा था, वो पूरी प्रक्रिया कहाँ हो रही थी, तो फेफड़ों के अंदर हो रही थी। अगर पूछ दे कि कोशिकाएं जो हैं श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है,
तो दो भागों में कौन कौन सा? तो पहला हमारा है आक्सी श्वसन और दूसरा है हमारा अनाक्सी श्वसन। ओके, तो इन दोनों को समझते हैं कि क्या है। आपको समझ में आए इसलिए मैं एक टेबल बना रही हूँ, बनाई हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ आक्सी श्वसन और दूसरे तरफ हमारा होगा अनाक्सी श्वसन। दोनों को समझाऊंगी वन बाई वन करके कि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला है आक्सी श्वसन। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को अणु का पूरा ऑक्सीकरण होता है। देखने पढ़ने से पता चल जा रहा है कि ऑक्सी और अनाक्सी मतलब एक जगह ऑक्सीजन की प्रस्तुति हो रही है और एक तरफ नहीं हो रही है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है वो अणु को क्या करता है, कंप्लीट करता है। सेकेंड है हमारा कि ऑक्सी श्वसन माइटोकांड्रिया में विशेष एंजाइम की उपस्थिति में पूरी होती है। यानी ऑक्सी श्वसन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो माइटोकांड्रिया जो होती है वो विशेष एंजाइम उपस्थिति में क्या होती है, पूरी होती है। ओके, याद रखिएगा ऑक्सी श्वसन को ही हम क्या कहते हैं, केप्स चक्र कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि केप्स चक्र किसे कहते हैं, तो ऑक्सी श्वसन को ही हम कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं अनाक्सी श्वसन, यानी जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन प्रस्तुत होता हो तो श्वसन कहलाएगा, और प्रस्तुत नहीं होता हो तो वो क्या होगा, अनाक्सी उसे कहा जाएगा। ओके, प्रस्तुत होगा तो ऑक्सी, नहीं होगा तो अनाक्सी। सेकेंड है अनाक्सी श्वसन कोशिका द्रव में पूरी होती है। यानी कह रहा है कि ऑक्सी श्वसन कहाँ पूरा हो रहा था, तो माइटोकांड्रिया में हो रहा था, और अनाक्सी श्वसन कोशिका द्रव में पूरा होता है। ओके, तीसरा है हमारा कि इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया भी है, और इससे पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ आपका पूरा क्या हुआ, श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।